तो हेलो दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बने रहमानुल्ला गुरबाज। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्ला गुरबाज ने गुरुवार रात आईपीएल 2023 के 9वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ अर्धशतक जड़ इतिहास रच दिया। वह इस रंगारंग लीग के 16 साल के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले पहले अफगानिस्तान के खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक आईपीएल में राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, मगर वह इस लीग में 50 रन का आंकड़ा कभी नहीं पार कर पाए। गुरबाज ने आरसीबी के खिलाफ 44 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन की शानदार पारी खेली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। डेविड विली और माइकल ब्रेसवेल की शानदार गेंदबाजी के चलते टीम ने 6.1 ओवर में ही 3 विकेट खो दिए थे। चौथे ओवर में विली ने लगातार 2 गेंदों पर वेंकटेश अय्यर और मनदीप सिंह का शिकार किया। वहीं पावर प्ले खत्म होने के ठीक बाद ब्रेसवेल ने कप्तान नीतीश राणा का विकेट चटकाया। एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, मगर गुरबाज दूसरे छोर पर डटे हुए थे और अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे। गुरबाज जब आउट हुए तो केकेआर का स्कोर 89 रन था और इसमें 57 रन गुरबाज के ही थे। बता दें कि इस खिलाड़ी को केकेआर ने हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया है। गुरबाज के अलावा केकेआर के लिए शार्दुल ठाकुर चमके, जिन्होंने 7वें नंबर पर आकर 29 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम को 204 के स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान उनका साथ रिंकू सिंह ने 46 रन की पारी खेलकर दिया। केकेआर के इस स्कोर के सामने आरसीबी की पूरी टीम 123 रनों पर सिमट गई और कोलकाता ने यह मैच 81 रनों के बड़े अंतराल से जीत लिया। शार्दुल ठाकुर इस मैच के हीरो रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।